चलिए इधर आप आगे बात करते हैं। आपको बता दें शुक्रवार को रेलवे के केंद्रीय सुरक्षा कमिश्नर मनोज अरोड़ा गोविंदगढ़ पहुंचे, यहां रीवा सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नौकरी की मांग पर अड़े किसानों के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है और जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वे किसान प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। बता दें कि आधे लोगों को तो नौकरी दे दी गई है पर आधे लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि रेलवे का जो लिखित आदेश है उसी के आधार पर संवैधानिक तरीके से नौकरी की मांग कर रहे हैं। मांगे यह है कि हमारे किसानों का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, नागौर, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, बांसा, गोविंदगढ़ का। तो हमारे किसानों को वादा किया था सरकार की, हम एक नौकरी देंगे प्लस मुआवजा देंगे एक पट्टेदार को। आधे को नौकरी मिल गई, आधे को नहीं मिली। दो हजार ग्यारह उन्नीस के पहले को नौकरी मिलनी चाहिए।